हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल एनबी क्लासेस। अभी मैं आपको इस वीडियो में क्लास 7 का चैप्टर 8, जिसका नाम है सिमेट्री रिफ्लेक्शन एंड रोटेशन, इसमें टोटल 3 एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 8A, 8B और 8C। तो अभी मैं आपको एक्सरसाइज 8A का सॉल्यूशंस बताऊंगी, जिसमें टोटल 1 से 5 तक क्वेश्चंस है। आप मेरा वीडियो मिस ना करें, तो इसीलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन ज़रूर दबाएं, तभी आपको मेरे आने वाले सभी अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सकेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करें, उससे मुझे आपसे सपोर्ट मिलेगी और मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बना सकूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 8 ICSE मैथमेटिक्स बुक का, सिमेट्री रिफ्लेक्शन एंड रोटेशन। तो सिमेट्री आप लोग बेसिक्स तो पढ़ ही चुके हैं, क्लास 6 से ही आप लोग पढ़ रहे हैं। सिमेट्री इज द एसेंस ऑफ ब्यूटी। इट मीन्स एन एग्जैक्ट मैच इन शेप एंड साइज बिटवीन और अमॉन्ग पार्ट्स ऑफ ए बॉडी। चलिए तो आगे देखते हैं एक्सरसाइज 8 के ए का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स आर सिमेट्रिकल? ड्रॉ द एक्सेस ऑफ सिमेट्री ऑफ द सिमेट्रिकल फिगर्स। द पॉइंट्स शोन आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स कंसर्न्ड। तो देखिए, हमको ये करना है कि जो भी फिगर्स दिया हुआ है उसमें देखना है कि कौन कौन सा फिगर सिमेट्रिकल है और एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी बनाना है। तो पहला फिगर में देख ली, इसमें टोटल 11 क्वेश्चंस है जो आप बुक में देख सकते हैं। तो जो 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 सही आंसर है वही सिर्फ मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। तो 1 नंबर देख लेते हैं। ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा देती हूँ। इक्विलैटरल ट्रायंगल है और इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री यानी कि 3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री बन रहा है। इस लाइन को क्या कहा जाता है? एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में 3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री बन रहा है। दूसरा नंबर देख लेते हैं, एक आइसोसेलस ट्रायंगल है तो इसमें 1 एक्सिस ऑफ सिमेट्री बन रहा है। चलिए आगे नंबर 3 देख लेते हैं। 3 नंबर का फिगर है रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल में 2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री बन रहा है। स्क्वायर में 4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री बन रहा है, अप और ये डाउन हो गया, जो भी ये डायगोनल्स उसका हो गया। तो ये स्क्वायर में 4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री बन रहा है। 5 नंबर देख लेते हैं, ये एक पैरालेलोग्राम है और ये एक स्केलेन ट्रायंगल है, तो इन दोनों में कोई भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं बन सकता है, कोई भी इक्वल शेप या इक्वल साइज नहीं बनेगा, तो इसलिए नो एक्सिस ऑफ सिमेट्री यहाँ पर मैंने लिखा है। चलिए नंबर 7 में देख लेते हैं। 7 और 8 में देखिए, यहाँ 2 फिगर है, एक लीफ का फिगर है और एक बटरफ्लाई का फिगर है, तो दोनों में 1 एक्सिस ऑफ सिमेट्री बन रहा है। अगर आप इसको फोल्ड करेंगे ये ओवरलैप हो जाएगा और सेम शेप और साइज ले लेगा, तो दोनों में ही 1 एक्सिस ऑफ सिमेट्री बन रहा है। 9 में और 10 में देख लेते हैं। 9 में नो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, इस फिगर में कोई एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगा, ओवरलैप करने पर ये सेम साइज नहीं आने वाला, सेम शेप नहीं बनेगा। X नंबर जो कि एक पॉट के शेप का है, तो इसमें 1 एक्सिस ऑफ सिमेट्री बन रहा है। और 11 नंबर देख लेते हैं। 11 नंबर में नो एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये एक स्टिक है तो इसमें कोई एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं बन रहा है। नंबर 2 क्वेश्चन में देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द लेटर्स दैट हैव ओनली ए वर्टिकल एक्सिस ऑफ सिमेट्री, यानी कि 2 लेटर्स बुक में आपके 6 लेटर्स दिए हुए, उसमें से आपको चूज करना है कि किस में वर्टिकल एक्सिस ऑफ सिमेट्री बनता है। तो यहाँ पर देखेंगे आप ए और एम में सिर्फ एक ही वर्टिकल सिमेट्री बन रहा है। नंबर 2 क्वेश्चन है ओनली ए हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो 2 नंबर में देखते हैं ई और बी, यहाँ पर भी एक ही हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ सिमेट्री बनेगा, यानी ई को हम हॉरिजॉन्टली कट करेंगे, बी को भी हॉरिजॉन्टली कट करने वाले हैं। तो देखिए 3 नंबर में है बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो देखिए एच और ओ में दोनों में हॉरिजॉन्टल भी हो रहा है, ये वर्टिकल हो गया, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, यानी कि 2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री बन रहा है इस दोनों फिगर में, एच और ओ में। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। नेम 3 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट विच आर सिमेट्रिकल अबाउट ए वर्टिकल एक्सिस, यानी कि वर्टिकल एक्सिस होना चाहिए। तो ए, एम और डब्ल्यू को अगर हम वर्टिकली कट करेंगे तो ये शेप ओवरलैप कर जाएगा और ये सिमेट्री बनेगा, ठीक है। तो ये वर्टिकल एक्सिस का 3 लेटर एग्जाम्पल हो गया। एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस का देख लेते हैं, बी डी ई,
तो इसको हम हॉरिजॉन्टली अगर कट करेंगे तो इसका भी सिमेट्री बनेगा, यानी कि वन एक्सिस ऑफ सिमेट्री बनने वाला है। चलिए फोर नंबर क्या है, ट्रू और फॉल्स है, इसको मैं समझा देती हूँ। नंबर वन में देखते हैं, ए स्क्वायर हैज़ फोर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, यानी कि एक स्क्वायर में फोर एक्सिस ऑफ सिमेट्री बनेगा, यानी कि ये ट्रू स्टेटमेंट है, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक फिगर में दिखाया था आपको। नंबर टू में, ए रेक्टेंगल हैज़ फोर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, नहीं, रेक्टेंगल में टू एक्सिस ऑफ सिमेट्री बनता है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नंबर थ्री में, ए पैरेललोग्राम हैज़ टू एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि पैरेललोग्राम में कोई एक्सिस ऑफ सिमेट्री बनेगा ही नहीं। आपके बुक में ये दिया हुआ है, एक्सप्लेन और डेफिनेशन दिया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। इस चैप्टर में अच्छे से क्लियरली एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, वो आप पढ़िए, वो बेसिक्स है, बेसिक्स पढ़ना बहुत जरूरी होता है। चलिए नंबर फोर देख लेते हैं, स्केलेन ट्रायंगल में बोला जा रहा है इस स्टेटमेंट में कि थ्री लाइन्स ऑफ सिमेट्री, नहीं, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, इसमें कोई लाइन्स ऑफ सिमेट्री बनेगा भी नहीं। चलिए फाइव नंबर देख लेते हैं, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज़ थ्री एक्सिस ऑफ सिमेट्री, नहीं, इक्विलेटरल ट्रायंगल में, यस इक्विलेटरल ट्रायंगल में थ्री एक्सिस ऑफ सिमेट्री बनेगा, जैसा कि फिगर में अभी थोड़ी देर पहले मैंने ड्रॉ करके आपको दिखाया था। सिक्स नंबर में देख लीजिए, एन आइसोसेलस ट्रायंगल हैज़ थ्री एक्सिस ऑफ सिमेट्री, आइसोसेलस में सिर्फ एक लाइन ऑफ सिमेट्री बनता है, जो कि फिगर में मैंने ड्रॉ किया था क्वेश्चन नंबर वन में, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हुआ। क्वेश्चन नंबर सेवन देख लेते हैं, ए सर्किल हैज़ एन इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री, यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, सर्कल में जितना चाहे आप उतने लाइंस ऑफ सिमेट्री बना सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव देख लेते हैं क्या है, काफ़ी इजी चैप्टर है, आसानी है, बहुत आसान है, समझ जाइएगा। इसका नेक्स्ट एक्सरसाइज, जो दोनों एक्सरसाइज है वो भी काफ़ी इजी है। चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव मैं समझा देती हूँ, हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डू द फॉलोइंग हैव, तो देखिए ये एक स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है, ये सेमी सर्कल है और ये काइट है। मैं नाम लिखना भूल गई, आप अपने बुक से देख सकते हैं, ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर में कितना लाइन्स ऑफ सिमेट्री बन रहा है, फोर, ठीक है, और रेक्टेंगल में टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री बन रहा है, और सेमी सर्कल में वन, और काइट में भी वन। तो इसमें पूछा था क्वेश्चन में हाउ मेनी लाइन्स ऑफ, कितने लाइन्स ऑफ सिमेट्री बन रहा है, तो फोर, टू, वन और वन, यानी कि स्क्वायर में फोर, रेक्टेंगल में टू, सेमी सर्कल में वन और काइट में भी वन बन रहा है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सारे सॉल्यूशंस आपको समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करने की पूरी तरह कोशिश करूँगी। तो देखते रहे एनबी क्लासेस, सब्सक्राइब करें, चलिए कीप वॉचिंग एनबी क्लासेस, थैंक यू, बाय बाय।